गाइस, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी सूप की रेसिपी जो बहुत ही यम्मी बनेगी और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और जब मैं आपको बताऊँगी ये किस चीज़ से बनी है तो आप बिल्कुल यकीन नहीं करोगे। यस गाइस, ये जो आपको एकदम पर्टिया सा कलरफुल जो सूप दिख रहा है ये बना है मोरिंगा, दैट इज ड्रम स्टिक और बीट रूट से। अगर आप ये टेस्ट करोगे तो कोई भी बता नहीं सकेगा कि ये सच में बीटरूट और ड्रमस्टिक का सूप है, इतना वो टेस्टी बनता है। तो देखते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने वेजिटेबल्स ले लिए हैं, तो चलिए प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कुकर में यहाँ पे कैरेट एक मीडियम साइज़ का, छोटा सा मीडियम साइज़ का ओनियन, बीटरूट, टोमेटो और ड्रमस्टिक आपको 3 से 4 लेनी है। देन 3 से 4 गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर और 1.5 ग्लास मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुकर का ढक्कन यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है। अब मीडियम आंच पे इसको हमें पकाना है। परफेक्ट, तो ऐसे हमें पूरे 3 विसल लाना है। मीडियम फ्लेम ग्लास रहेगा हमारा। 3 विसल के बाद आपको कुकर अच्छे से पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। उसके बाद की प्रोसीजर देखते हैं। ये देखिए, कुकर ठंडा हो चुका है। अभी ये जो पूरा मिक्सचर आपको दिख रहा है इस पूरे पानी के साथ एज इट इज़, हमें ये पूरा ग्राइंड करना है मिक्सर ग्राइंडर में। तो ये देखिए, मैंने ये ग्राइंड कर लिया है, ये कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। ओके, नाउ अभी हम लोग ये मिक्सचर को सीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने छन्नी रख दी है और स्पैचुला की हेल्प से या फिर स्पून से आप इस तरीके से अगर करोगे तो उसका जो पल्प है वो ऊपर रह जाएगा और नीचे पूरा जो जूस है मैक्सिमम हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं गाइस, क्योंकि जो कुकर में अच्छा खासा जो वेजिटेबल है वो कुक हो जाता है। देन एक दूसरे पैन में ये जो पूरा हम लोगों ने सीव कर लिया है वो डाल देते हैं। अब इसमें मैं ब्लैक पेपर पाउडर डाल देती हूँ और स्वादानुसार नमक। इसके पहले हमने कुछ नहीं डाला था, सिर्फ वेजिटेबल और पानी डाला था। देखिए, एक बॉईल भी आ चुका है, बढ़िया खुशबू आ रही है गाइस। अब तड़का देंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट और बढ़िया पार्ट है। इसमें घी लगे है, उसके साथ मैंने डाल दिया है जीरा और क्रश करके खड़ा धनिया डालना है। और देखिए, ये थोड़ा सा सॉटे करने के बाद पूरा सूप इसमें चले जाएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो झोंक लगता है ना, ये इससे आपके जो सूप की टेस्ट है वो दुगनी हो जाती है। एक हल्का बॉईल आ गया है एंड योर सूप इज़ रियली रेडी गाइस। अगर आपको थोड़ा सा हरा धनिया डालना है तो ऑप्शनल है, नहीं डालना है तो जस्ट गिव इट। आप ड्रमस्टिक के जो लीव्स रहते हैं उसके साथ गार्निश कर सकते हैं, वो भी आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। एंड ये आपका बीटरूट और ड्रमस्टिक का सूप बन के रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।